हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी। उसूलों पे जो बात आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे जो बात आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षा तिवारी और ये है एसपीएन 9 न्यूज, जहां एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने खास प्रोग्राम पब्लिक फेस में। और आज अपने इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे उस खास शख्स की जिसका नमन आज पूरा देश कर रहा है, जिसके कदम भले ही दुश्मन के देश में थे लेकिन उसकी मूछों पर ताव हिंदुस्तानी था। जी हाँ दोस्तों, आज हम यहाँ बात कर रहे हैं भारत के उस लाल की जो दुश्मन के देश में 56 घंटे बिताकर आया है। हम बात कर रहे हैं उसकी जिसका पूरा देश नंदन कर रहा है, और वो है भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। 1 मार्च 2019 को जब अभिनंदन के कदम पाकिस्तान की सरजमी से हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनके हर उस कदम के साथ पूरी हो रही थी हर हिंदुस्तानी की दुआ। आज पूरा हिंदुस्तान अपने शूरवीर पायलट का अभिनंदन कर रहा है जो पाकिस्तान की आबो हवा को देख कर आ रहा है, जो 56 घंटे तक दुश्मन की कैद में था लेकिन फिर भी उसकी जुबान वहां पर भारत माता की जय के नारे बुलंद कर रही थी। आज देश में ऐसे सच्चे पायलट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जिनके किस्से और कहानियां आने वाले पीढ़ियों को बड़े ही रुबाब से सुनाए जाएंगे। आज पूरा देश अपने सच्चे सपूत अभिनंदन की पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है। कोई उनकी मूछों की स्टाइल को कॉपी कर रहा है तो कोई उनकी जिंदगी से जुड़ी हर एक खबर जानना चाहता है। और इसीलिए आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में लेकर आए हैं अभिनंदन वर्तमान, द रियल लाइफ हीरो के बारे में हर एक खास बात और उनकी जिंदगी से जुड़ा हर एक खास पहलू आपके सामने। भारत के शेर वायुवीर अभिनंदन वर्तमान का जन्म 21 जून 1983 को तमिलनाडु में हुआ था, और इनके पिता श्री सिंह कुट्टी वर्तमान भारतीय वायुसेना में एक पायलट हुआ करते थे और बतौर एयर मार्शल वे रिटायर हुए थे, जिससे साफ पता चलता है कि अभिनंदन के खून में देशभक्ति का ये जज्बा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला है। क्योंकि 5 वर्ष पहले ही सेवानिवृत्त हुए अभिनंदन के पिता देश के उन चुनिंदा पायलट में से एक हैं जिनके पास 4000 घंटे से ज्यादा तक 40 तरह के विमान उड़ाने का अनुभव रहा है। अभिनंदन की मां डॉक्टर शोभा वर्तमान भी पेशे से एक डॉक्टर रही हैं और वह मुफ्त चिकित्सा दिया करती थी। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान बचपन के दिनों से ही शांत स्वभाव के रहे हैं। स्कूल के समय से ही वे अपने दोस्तों के बीच अपनी दिलेरी के लिए जाने जाते थे। मालूम हो कि अभिनंदन ने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय में की और उसके बाद 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने बेंगलोर में की। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अभिनंदन ने 2004 में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया था और यह करीब 14 सालों से अपनी सेवाएं भारतीय वायुसेना में दे रहे हैं। बहुत ही कम लोगों को अभिनंदन की निजी जिंदगी से जुड़ी एक खास बात पता है कि कमांडर अभिनंदन की शादी उनकी स्कूल की मित्र तन्वी मारवा से हुई है। दोनों 5वीं कक्षा से ही एक दूसरे को जानते थे। हालांकि बहुत ही कम लोगों को इस बात के बारे में मालूम था कि इन दोनों के बीच प्यार का रिश्ता भी है। इतना ही नहीं, इन दोनों ने अपनी माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री भी एक ही कॉलेज से एक साथ हासिल की थी। आपको बता दें कि अभिनंदन की पत्नी भी रिटायर्ड भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन रह चुकी है और इन दोनों के 2 बच्चे हैं जो तन्वी और परिवार के साथ चेन्नई में रहते हैं। बीते कुछ दिनों भारत में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। किसे पता था कि सीआरपीएफ के जवानों से भरी हुई बस आतंकियों के हमले का शिकार हो जाएगी? किसे अंदाजा था कि भारतीय वायुसेना अपने वीर जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए आतंकियों के घर में घुसकर उन्हें मार गिराएगी? और ठीक उसी तरह अभिनंदन को भी अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान के भेजे हुए विमानों को खदेड़ते हुए वे खुद ही पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। जी हाँ, 27 फरवरी को मिग 21 में सवार होकर जब अभिनंदन ने F-16 पाकिस्तान के भेजे हुए विमानों को खदेड़ा तो उनका विमान खुद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वे उन्हें खदेड़ने में तो कामयाब हुए लेकिन विमान के क्रैश की वजह से उन्हें विमान से कूदना पड़ा।
उन्हें नहीं पता था कि जब उनके पैर जमीन को छुएंगे तो वो जमीन उनके वतन की नहीं बल्कि गैर मुल्क पाकिस्तान की होगी। 14 फरवरी को हुए पुलवामा में हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली और उसके बाद से ही पूरे देश में बदले की गुहार लगने लगी। शहीदों के परिजनों से लगाए देश के हर नागरिक की सरकार से बस एक ही गुजारिश थी कि इस बार हमें मुआवजा नहीं अपने जवानों की शहादत का बदला चाहिए। सरकार ने थोड़ा समय लिया और हमले के 13 दिन बाद एक और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और इस बार ये स्ट्राइक एक एयर स्ट्राइक थी जब भारतीय वायुसेना के विमानों ने 26 फरवरी की सुबह करीब 3:30 बजे पहली बार LOC की लाइन को पार करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में स्थित जैश के टेरर कैंप्स पर 1000 किलो बम की बारिश की। इस बारिश से जहां जैश के टेरर कैंप्स ध्वस्त हुए तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बौखला उठा और 27 फरवरी को भारत में पाकिस्तान की तरफ से F-16 लड़ाकू विमान भेजे गए। हिंदुस्तान की सतर्क वायुसेना ने तुरंत एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए उन्होंने F-16 विमान को मार गिराया पर खुद उनका विमान MiG-21 दुर्घटना का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में MiG-21 जिसे विंग कमांडर अभिनंदन चला रहे थे वो क्रैश हो गया और अभिनंदन को पैराशूट से कूदना पड़ा। जब उनके कदम जमीन पर पड़े तो वो जमीन पाकिस्तान की थी। एक गैर मुल्क में होने के बावजूद भी अभिनंदन के चेहरे पर शिकन नहीं आई। वो चोटिल थे लेकिन फिर भी हिम्मत से खड़े हुए और सीना तान कर सबसे पूछा कि ये हिंदुस्तान है या फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभिनंदन के साथ क्या हुआ इसके बारे में कोई पक्की जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ पाकिस्तानी आर्मी ने अभिनंदन को अपने कब्जे में लिया। पाकिस्तान ने उनके वीडियोस भी जारी करने शुरू किए जिसमें अभिनंदन की आंखों पर पट्टी, चेहरे पर खून और जबान पर था एक ही नाम और एक ही आवाज, I am विंग कमांडर अभिनंदन फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान से अभिनंदन के कई वीडियो जारी किए गए जिसमें उन्होंने खुद को भारतीय वायुसेना का पायलट अभिनंदन बताया। इसके बाद उनके एक पर एक वीडियो आते चले गए जिसमें वे कभी कैद में नजर आए तो कभी चाय की चुस्किया लेते हुए लोगों के सवालों के जवाब देते और पाकिस्तान आर्मी का पूछा गया हर सवाल बड़े ही कॉन्फिडेंस से देते हुए। भारत की तरफ से इस खबर को कंफर्म करने के बाद वो हमारा लापता पायलट अभिनंदन ही है, इस पूरे देश में एक आवाज गूंज उठी, हमें हमारा अभिनंदन वापस करो। भारत सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया पाकिस्तान की तरफ से किए गए जिनेवा संधि के उल्लंघन और अन्य देशों से पड़े पाकिस्तान के ऊपर दबाव की वजह से पाकिस्तान ने अभिनंदन को वतन वापस करने का फैसला सुनाया। 1 मार्च 2019 को सुबह 10 बजे से अभिनंदन वर्तमान का पूरा परिवार और पूरा देश बाघा बॉर्डर की तरफ टकटकी लगाए बैठा था कि अब सीमा के पार से देश की जमीन पर दाखिल होगा देश का लाल अभिनंदन वर्तमान और उनका ये इंतजार रात 9:21 पर खत्म हुआ जब शेर की तरह सीना ताने मूछों पे उसी ताव के साथ पाकिस्तानी सेना के बीच अभिनंदन ने अपने मुल्क हिंदुस्तान में कदम रखा। उनके चेहरे में एक अलग सा ही तेज था जिसे देखकर हर किसी के हाथ मजबूर हो चुके थे वायुवीर अभिनंदन की अभिनंदन में सलामी देने के। बहरहाल देश का लाल लौट आया है और अभिनंदन की वापसी के बाद उनके कुछ मेडिकल टेस्ट भी करवाए गए हैं जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों पर कुछ चोटें पाई गई हैं जिसकी वजह उनका ऊंचाई से गिरना बताया जा रहा है। अभिनंदन तो लौट आए हैं और उनको आराम करने की सख्त हिदायत भी दी गई है, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो देशभक्ति का जुनून है और जो काम करने का जज्बा है वो आराम करने का नाम नहीं ले रहा और बार बार वतन की सेवा में दोबारा काम पर लग जाने की गुहार लगा रहा है। हम अभिनंदन के साथ ही साथ उनके परिवार को भी सलाम करते हैं उनके साहस के लिए जो अभिनंदन को पाकिस्तान की जमीन पर देखने के बाद भी नहीं टूटा। हमारे देश को जरूरत है अभिनंदन जैसे पायलट की और अभिनंदन जैसे वीरों की जो जज्बा रखते हैं जमीन पर पैर होते हुए भी आसमान को मुट्ठी में करने का और जो हंसते हंसते अपनी वतन की मिट्टी के लिए मर मिटने से भी गुरेज नहीं करते। बहरहाल आज के लिए अभी हमें दीजिए इजाजत। हम लेते हैं आपसे इजाजत इस वादे के साथ कि फिर आएंगे हम एक खास चेहरे की खास कहानी के साथ जो है आपका चहेता। लेकिन जाते जाते मुझे एक शेर याद आ रहा है,
उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये आसमां कम है। जय हिंद।